हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवा तायल। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो पहले दबाइए सब्सक्राइब बटन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें सीए कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या जीएसटी एप्लीकेबल है हमारे ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो मई 18 में या उसके बाद एग्जाम्स देंगे ओल्ड कोर्स में आईपीसीसी के, क्या उनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। तो भाई सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप ओल्ड कोर्स में एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए जीएसटी ही एप्लीकेबल है। आपके लिए एक्साइज वगैरह, सर्विस टैक्स, वैट कुछ एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए एप्लीकेबल है जीएसटी। कमोन, ध्यान करो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीएसटी एप्लीकेबल है ब्रो। अब आपके लिए वो सब खत्म हो चुका है, ना सर्विस टैक्स होगा, ना वैट होगा, ना कुछ होगा। लेकिन पॉइंट है कि उसका वेटेज कितना है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो वेटेज था वो था 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इसीलिए जीएसटी का जो वेटेज है आपके लिए वो भी कितने का होगा, 50 मार्क्स का। जबकि न्यू कोर्स स्टूडेंट्स के लिए वो वेटेज है 40 मार्क्स का, क्योंकि न्यू कोर्स स्टूडेंट्स के लिए जो आईडीटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसी का वेटेज 40 है। तो जीएसटी का भी वेटेज 40 होगा। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप ओल्ड कोर्स में एग्जाम देंगे तो आपके लिए वेटेज है 50 मार्क्स, जीएसटी में जीएसटी ही एप्लीकेबल है बस भाई, और कुछ नहीं एप्लीकेबल है आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक दो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, और कमेंट करके बताना अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।